जो है अपने कल जो है वो टेंथ की रिगार्डिंग बात चल रही थी, स्पेशल बोर्ड के टेंथ क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। मैं समझता हूँ कि बच्चे अभी बहुत अच्छे ढंग से जो है पढ़ रहे हैं, क्लासरूम से भी ज़्यादा जो है आप ऑनलाइन क्लासेस और डिजिटल क्लासेस, ई लर्निंग क्लासेस में जो है यू आर टेकिंग द पार्टिसिपेट्स। तो डेफिनेटली आई नो वेरी वेल कि इट इज़ गुड थिंग फॉर योर करियर। ओके, टुडे जो है वो हम आज जो है अपना टॉपिक होगा वो होगा फ्यूचर टेंस। हम फ्यूचर टेंस में सबसे पहले लेंगे फ्यूचर सिंपल, जिसको इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं, फ्यूचर जिसको इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं। ओके, देखिए सबसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में वो होता है, फ्यूचर टेंस का मतलब ये होता है, फ्यूचर का मतलब भविष्य काल, और भविष्य काल का मतलब ये होगा जो आने वाले समय में किसी भी प्रकार की कोई भी घटना हो, या किसी भी प्रकार का कोई कार्य हो, या किसी भी प्रकार का कोई एक्शन हो, वो फ्यूचर टेंस में आता है। जैसे जो है वो मैं जुलाई में आपको पढ़ाऊँगा, ये हो गया। मैं अगले साल जो है जोधपुर जाऊँगा, मैं आपके जो है वो नेक्स्ट वीक पूरी मदद करूँगा, मैं जो है वो कल आपसे जो है इसी तरीके से मिलूँगा, है ना। तो इस टाइप से जो भी वाक्य होते हैं वो फ्यूचर सिंपल के कहलाते हैं। ओके, फ्यूचर सिंपल के लिए जो है ध्यान रखें एडवर्ब्स में पहचान के लिए, ये दीज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट एडवर्ब्स टू आइडेंटिफाई दिस टेंस स्पेसिफिकली। ओके, डियर स्टूडेंट प्लीज लिसन मी नाउ, टुमारो आने, टुमारो का मतलब आने वाला कल, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट जो है नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ, और द कमिंग डे, और द फॉलोइंग डे, और इन फ्यूचर। इन फ्यूचर का मतलब इन फ्यूचर आई विल हेल्प यू। ओके, तो ये इन फ्यूचर भी अपने आप में फ्यूचर का ही एक सिंपल है। ओके, तो ये एडवर्ब्स है, जहां भी ये एडवर्ब्स आपको मिले उसमें आप निश्चित रूप से देखना ये फ्यूचर टेंस है। ओके, और फ्यूचर टेंस में जो है इंडेफिनिट टेंस को जो है करते हैं, तो इसका फॉर्मूला है सबसे पहले सब्जेक्ट, देन आफ्टर हेल्पिंग वर्ब के रूप में फ्यूचर सिंपल में जो है विल और शैल, प्लस जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जो है वो ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो है दो हेल्पिंग वर्ब है आपके सामने, एक है विल और एक है शैल। ओके, ये बिल्कुल सिंपल सी है। देखिए शैल का प्रयोग जो है वो आई और वी जो है वो उसके साथ सब्जेक्ट के साथ इसका प्रयोग होता है, और बाकी जो भी जितने भी प्रयोग होने वाले हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जितने भी जो है नाउंस हैं, उनके सबके साथ में जो है विल का प्रयोग होता है, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, इसका कोई जो है वो कंफ्यूज होने की बिल्कुल सिंगुलर प्लूरल बोध में जो है वो चाहे सिंगुलर हो और चाहे जो है वो प्लूरल हो, दोनों के लिए जो है विल का, सिर्फ आई और वी को छोड़कर बाकी सब के साथ जो है वो विल का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल जो है अपन बात कर लें, जैसे ही, शी, ओके, इट, दे, यू, है ना, और बाकी जो है अदर्स कोई भी नेम है उन सब के साथ में जो है विल का प्रयोग होता है, और आई और शेल, आई और वी के साथ शेल का प्रयोग होता है। अब हमारे सामने कुछ एग्जाम्पल्स है जिसको अपन परीक्षा की दृष्टिकोण से जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप देखिए जो है मैं आपको यहाँ पे सिखाने के तरीके से जो है देखता हूँ, बस अब ये आपको करना है। देखो वर्ब दे रखा है गो, यहाँ पे जो है सूत्र की तरफ ध्यान दें, सबसे पहले फॉर्मूला जो कि नेक्स्ट ईयर है, नेक्स्ट ईयर का मतलब फ्यूचर सिंपल तो है ना, और इसमें जो है हमें फ्यूचर सिंपल को इसको आइडेंटिफाई करने के लिए नेक्स्ट ईयर जो है हमारे हेल्प करता है, अरे नेक्स्ट और नेक्स्ट ईयर लिखा हुआ। ओके, तो हम इसको मान सकते हैं कि फ्यूचर सिंपल है। दे, दे किस में आता है, दे आता है जो है वो विल के प्रयोग होगा, दे के साथ में हेल्पिंग वर्ब में, तो दे विल नेक्स्ट क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है गो, तो दे विल गो टू आगरा नेक्स्ट ईयर, बिल्कुल क्लियर है। तो इसी तरीके से जो है वो अपन सेकंड देख लेते हैं, है ना, इसको जो है सॉल्व करते हैं, बस एक एक आप इस तरीके से करते रहोगे तो बिल्कुल सरल हो जाएगा। ओके, यहाँ पे मूल वर्ब जो है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जगह नहीं होने के कारण। ओके, यहाँ मूल वर्ब है। अब देखिए जो है ये जो है परीक्षा में खाली छोड़ दिया, वी खालिस्तान जो है
वो फ्रेंडली मैच टुमारो प्ले, अब जो है हम कल जो है फ्रेंडली मैच खेलेंगे, टुमारो क्या है, टुमारो इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ, इट इंडिकेट्स अबाउट द फ्यूचर सिंपल टेंस। ओके डियर स्टूडेंट्स, वी अब वी के साथ में क्या आता है, देखिए एलपी वन शेल का प्रयोग होता है, तो वी शेल वर्क क्या है, प्ले, वी शेल प्ले फ्रेंडली मैच टुमारो, बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर है ये। इस टाइप से जो है आपको थोड़ा सा आगे और चलते हैं, नेक्स्ट ही आप देख लो, इसमें मूल वर्ब है अपना गो। ओके मैं यहाँ लिख देता हूँ गो। अब आपको समझने के लिए देखिए आई के साथ क्या आता है, और इसको फ्यूचर सिंपल है नहीं है, इसको अंडरलाइन कर लेता हूँ समझने के लिए। द कमिंग डे, कमिंग डे दिए स्टूडेंट्स आइडेंटिफाई हो इसमें कहीं है, तो हाँ सर बिल्कुल है सर कमिंग डे, इसका मतलब ये जो है फ्यूचर सिंपल है। आपके परीक्षा में ऐसा क्वेश्चन आएगा, ओके, और आपको ये जो है ब्लैंक ऐसा छोड़ दिया जाएगा, और ब्रैकेट में जो मूल फॉर्म दे रखी होगी। अब आपको क्या करना है, सबने बताया था फ्यूचर सिंपल टेंस में सूत्र था आई, आई के साथ शेल आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है शेल दिया हुआ आई के साथ। ओके तो आई शेल गो टू दिल्ली द कमिंग डे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वीक ही विल, ओके इसको जो है एक बार वो जो है अमेरिका के लिए रवाना होंगे। ओके तो इसमें जो है वो लीव का मतलब होता है, यहाँ पे लीव का मतलब छोड़ना, लेकिन यहाँ पे जो है लीव का मतलब है जाने से, मतलब वो अमेरिका के लिए अगले सप्ताह जो है वो जाएगा जाएगा। ओके तो ही, अब आपको जो है ये ब्लैंक पूरा करना है, तो ही के साथ में जो है सब्जेक्ट के बाद में जो ही विल, ओके ही विल लीव फॉर अमेरिका। ओके तो इस तरीके से जो है हम प्रेजेंट सिंपल, ये जितने भी एक्सरसाइज के लिए स्टूडेंट्स, ये हमारा अफर्मेटिव था। अब अपन चलते हैं नेगेटिव में, नेगेटिव में देखिए सब सूत्र देख लो, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वो की वो हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं होगी, शेल और विल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, बिल्कुल क्लियर है ना। अब इसमें जो है वो अब ऑब्जेक्ट भी हो जाता है प्लस टाइम भी है, टाइम कौन सा है, फ्यूचर टाइम है, फ्यूचर टाइम में जो है टुमारो आ सकता है, नेक्स्ट ईयर आ सकता है, नेक्स्ट जो मंथ आ सकता है, नेक्स्ट भी आ सकता है, वॉलम भी आ सकता है, द कमिंग भी आ सकता है, ये फ्यूचर टाइम है। ओके ये ऑब्जेक्ट का मतलब जो है ये कि कोई पर्टिकुलर स्थान का नाम या वस्तु का नाम आ सकता है। ओके इस टाइप से अब इन्हीं को अपने को नेगेटिव बनाने आगे, तो पहला वाक्य देखिए दे क्या लिखो, दे विल नॉट गो टू आगरा नेक्स्ट ईयर। ओके ये देखिए ये जो है अंडरलाइन कर दो आपको समझने के लिए, ये जो नॉट नेगेटिव आ गया। इसी तरीके से आपको जो करना, मैं आपको एक बार और अच्छे से कर रहा हूं, वी शैल नॉट प्ले आ जाएगा फ्रेंडली मैच टुमारो, ये आपको नोटबुक पे खुद को करना है। नेक्स्ट वीक ही विल, फिर जो है नॉट यहाँ पे करेंगे नॉट लीव फॉर अमेरिका। ओके और जो है वो बस ये हो गया, कोई बाकी तो नहीं ना, वी शैल नॉट प्ले फ्रेंडली मैच टुमारो, ये भी नहीं, ये जो है इस तरीके से अपना जो है वो फ्यूचर सिंपल टेंस जो है वो अफर्मेटिव और नेगेटिव यहाँ पे पूरा हो जाता है। बोर्ड परीक्षा में आने वाले क्वेश्चन को भी जो है एक क्वेश्चन की पूरी सीरीज तैयार करेंगे, जिसमें आप जो है वो सभी प्रकार के जितने भी टेंसेज हैं हमने जितना प्रेजेंट सिंपल से लेकर और अभी फ्यूचर सिंपल तक किए हैं, सभी का जो है एक्सरसाइज के लिए आपको एक प्रैक्टिस का मौका दिया जाएगा। ओके थैंक यू सो काइंड, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का, बढ़िया मन से पढ़ना, थैंक यू।